देश में लोकसभा चुनाव में इस वक्त प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारी टीवी वन इंडिया न्यूज के संवाददाता प्रकाश तिवारी जी ने छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ के कुछ गांव में जाकर लोगों की राय जाननी चाहिए कि इस वक्त वे प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने किसानों व जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की भी राय जानी और लोगों से खास बातचीत की। इस वक्त आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं? हम तो मोदी जी को ही देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। 5 साल उनको समय दिया है और 5 साल देने का हम लोग चाहते हैं जी। मोदी जी ने अभी 5 सालों में आपके लिए क्या क्या किया? हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं निकाले हैं, उनका सोच ही एक नया है। अभी हम लोग जैसे भारत अभी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, मैं हूँ प्रकाश तिवारी। हम सारंगढ़ जनपद के ग्राम अमझर पहुंचे हुए हैं किसानों के पास, और किसान लोग इस वक्त किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आइए हम किसानों से चर्चा करते हैं कि वो इस वक्त किनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जी आपका परिचय बताइएगा। मेरा नाम धनंजय कुमार पटेल है, मैं यहाँ किसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम पंजा छाप को ही वोट दें, क्योंकि हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी हम लोग कर्ज माफ किए हैं और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये कर दिए, और इसी के साथ अगले से वह में खरीद धान की खरीदी भी बढ़ाएंगे, इसीलिए हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जी हाँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। जी तो प्रधानमंत्री बनाने का उद्देश्य क्या है सर? देखिए उद्देश्य तो जानते नहीं हम लोग, लेकिन भूपेश बघेल जी अपने वादे को निभा रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी जो वादा किए हैं उनको निभाएंगे उम्मीद है हम लोग। जी भूपेश बघेल जी क्या क्या किए सर अभी तक? भूपेश बघेल जी किसानों को कर्ज माफी कर दिए, जो अपेक्स बैंक था और ग्रामीण बैंक का। अच्छा जी आपका परिचय बताइएगा। करमू नायम। अच्छा तो इस वक्त आप प्रधानमंत्री किनको चुनना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी? राहुल गांधी जी। अच्छा को और कौन सा छाप में आप वोट देना चाहते हैं? पंजा। राहुल गांधी जी को चुनना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम शांति कुमार सिद्धार्थ, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ का रहने वाला। जी आप इस वक्त प्रधानमंत्री किनको बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। जी तो राहुल गांधी जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? कुछ किसान के लिए बहुत अच्छा किया, इस जो इस साल फसल हुआ था सभी किसान भाइयों का कर्ज माफ किया, उसीलिए कांग्रेस का ही सट्टा ज्यादा चल रहा है हमारा छत्तीसगढ़ में। जी जैसे लोकसभा में राहुल गांधी जीते हैं तो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? मेरे पास तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है किसान भाइयों को बोल रहा था कि कांग्रेस सरकार आ जाएगा तब किसान का धान 30 क्विंटल 25 से 30 क्विंटल के अंतर्गत मिलेंगे बोल रहे हैं। से जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री में इस बार किसको बनाना चाहते हैं? जी आपका परिचय बताइए। महेंद्र लाल जी। आप कहाँ के निवासी हैं? जी इस वक्त आप प्रधानमंत्री किनको बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। अच्छा तो नरेंद्र मोदी जी को बनाना क्यों चाहते हैं? वो अच्छा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी अभी क्या क्या आपके लिए किए? इस वक्त आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? जी हम राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। तो क्यों राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं? अभी यही फिलहाल वो में किसानों के लिए बहुत अच्छी है ना जी। किसानों के लिए क्या क्या कांग्रेस सरकार ने की? किसानों के लिए कर्ज माफी है ना, बोनस का भी। और टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी सहित 5 जवानों के नक्सली हमले में शहादत के 12 घंटे के भीतर महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने माओवादियों के बड़े कैंप को तबाह कर दिया। वहीं बुधवार को सर्चिंग में निकले जवानों ने मानपुर थाना के अंतर्गत महाराष्ट्र सीमा से लगे बुकमरहा पहाड़ी में नक्सल कैंप पर धावा बोला। वहीं पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। डीआरजी और एसटीएफ जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने एक के बाद एक 3 IED ब्लास्ट करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवानों ने क्रॉस फायरिंग करते हुए नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलिस ने विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नक्सली कैंप से जवानों को देसी रॉकेट लॉन्चर का सेल, AK-47 राइफल के खाली खोखे और भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की। वहीं महाराष्ट्र की सीमा पर जबरदस्त नक्सली मुठभेड़ के बाद जवान सर्चिंग करते हुए जंगल के अंदर घुस गए। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार नक्सली कैंप से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में जवानों ने सघन सर्चिंग अभियान चलाकर घने जंगलों में प्रवेश किया। साथ ही उच्च अधिकारियों की निगरानी में ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन भांडेकर की रिपोर्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल नक्सली हमले में दंतेवाड़ा भाजपा विधायक भीमा मंडावी और 5 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद से ही प्रदेश में शोक का माहौल है। शहीद भीमा मंडावी के अत्योष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और डीजीपी एम अवस्थी पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद भीमा मंडावी और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बस्तर की पहली सीट पर आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। साथ ही नक्शा पूर्वा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का समय रखा गया है। आपको बता दें कि बस्तर में कुल 1889 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 736 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। वहीं महिलाओं की संख्या 7,15,500 है, साथ ही पुरुषों की संख्या 6,62,350 है। वहीं कुल मिलाकर 13,77,946 मतदाता हैं। चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। मतदान करने सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पहुंचने लगे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है। इसी बीच खबर है कि कुआकोंडा के हलवारास पोलिंग बूथ में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर मतदान नहीं करने की चेतावनी दी है। वहीं भारी संख्या में पोस्टर लगाए गए। साथ ही बताया जा रहा है कि बूथ से लगे पहाड़ियों में भारी संख्या में नक्सली मौजूद है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश में है नक्सली। वहीं हालांकि सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा और नारायणपुर विधानसभा में मतदान के लिए सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। देश भर में लोकसभा चुनाव होने को और हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। वहीं मतदान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने मतदाताओं से बहुत से लोक लुभावन वादे किए, लेकिन चुनाव में जीत के बाद माननीयों ने राज्यपाल के समक्ष शपथ भी लिया, लेकिन उसके बाद शायद माननीयों की याददाश्त ही चली गई। आपको बता दें कि वो हर चुनाव के बाद जनता को भूलने वाली बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। जी हां, इसका जीता जागता मामला हमें देखने को मिला राजनांदगांव जिले के जनपद पंचायत और विकासखंड खैरागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडा गांव में, जहां लगभग 65 वर्षीय महिला रामाबाई यदु, पिता नारद यदु, अकेली जीवन बसर करती है। और वर्ष 2016 में इस वृद्ध महिला का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन यहां की महिला सरपंच रिंकू मोहबिया ने गांव में सरकारी जमीन नहीं होने के अलावा देकर उसके प्रधानमंत्री आवास पर भी रोक लगा दी। वहीं जानकारी के अनुसार कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद इस महिला को आवास निर्माण का लाभ मिला, लेकिन आवास निर्माण के बाद भी महिला के आवास में ना तो बिजली की फिटिंग हुई और ना ही शौचालय का निर्माण। वहीं वृद्ध महिला पिछले 1 साल से पंचायत प्रतिनिधि के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं जानकारी के अनुसार खैरागढ़ जनपद पंचायत के ऐसे दर्जनों पंचायत है जहां सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास अधूरे पड़े हैं, तो वहीं पूर्ण हुए आवास हितग्राही विद्युत कनेक्शन नहीं होने से अंधेरे में गुजारा करने पर मजबूर है। साथ ही शौचालय निर्माण नहीं होने से खुले में जाकर स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या का निराकरण करने का ही की जगह पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं महिला से निजी जानकारी के अनुसार वह उनसे बिजली विभाग के सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे करके अधिकारियों को सौंप दिए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले से अधिकारी उसे आचार संहिता का हवाला देकर टालमटोल कर रहे हैं। वहीं अब लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे उन्हें बताया कि शौच के लिए वह आज भी मैदान का उपयोग करती है, बिजली नहीं होने से चिमनी और लालटेन जलाकर गुजारा करती है। वहीं इस आधुनिक युग में जहां सभी घरों में सौभाग्य योजना से रोशनी हो रही है, वहीं इस वृद्ध महिला के घर में अंधेरा शासन प्रशासन और चुने गए जनप्रतिनिधियों के गाल पर करारा तमाचा है। अब मजे की बात तो यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त एक गैस चूल्हा और सिलेंडर देने का दावा करने वाले प्रशासन इस वृद्ध महिला की चौखट पर आकर रुक जाता है। इस योजना के पात्र हितग्राही नहीं है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी के पास भी इस महिला की उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित किए जाने का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। वहीं जब हमने इस वृद्ध महिला की संपूर्ण जानकारी देकर कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर खैरागढ़ से पूछा कि शौचालय, बिजली और उज्ज्वला योजना
योजना का लाभ अब इस महिला को नहीं मिल पाया। इस समस्या के निराकरण को लेकर आप इस पर क्या कदम उठाएंगे? तब अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बिजली का मामला बिजली विभाग हल करेगा, उज्ज्वला योजना का खाद्य विभाग, रहा शौचालय का मामला तो मैं देखता हूँ कि शौचालय क्यों नहीं बन पाया। मतलब साफ है कि अधिकारियों को गरीबों को मिलने वाली योजनाओं के लाभ दिलाने से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए शायद शासन की योजनाएं धरातल पर आते ही दम तोड़ देती है और खामियाजा सरकार को भोगना पड़ता है। और अभी तक लाइट बनवाया तो के बार गए शासन प्रशासन और सरपंच सरपंच पास फोटो सब हो गए, फार्म आराम फोटो सब जमा हो गए। तो अभी तक साल भर भी थी किसी ने तो वही बता सुनो दिनों के उमेश लन तो उमेश की सभी चुनाव माहौल है दीदी चुनाव बाद दे तो साल भर बीत के चुनाव करवा थे मन तो अब का करूं ये बरसात तो चिमनी में रहते इसके चिमनी दिखा। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।